हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सर्कल एंड इस सर्कल में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस वीडियो इज कॉल्ड पॉइंट फॉर्म ऑफ टैंजेंट इट इज कॉल्ड पॉइंट फॉर्म ऑफ टैंजेंट क्या है क्यों है वो सब करते हैं देखते हैं सो लेट्स से कि एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव और इसका एक पॉइंट है से थ्री कॉमा माइनस फोर देखो थ्री कॉमा माइनस फोर सेटिस्फाई कर रहे सो इफ आई हैव टू फाइंड ट्रांजेंट एट दिस पॉइंट देन वन मेथड आई हैव इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आपको फिजिक्स अगर आप इलेवेंथ में हैं तो आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया है और अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर चुके हैं तो वेल एंड गुड सो व्हाट वी डू इज वी डिफरेंशिएट दिस और डिफरेंशिएट करते हैं तो कुछ ऐसा आता है दैट गिवस मी डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस एक्स बाई वाई ना वट आई नीड आई नीड स्लोप ऑफ ट्रांजेंट और स्लोप ऑफ ट्रांजेंट हाउ डू आई गेट ये डी वाई बाई डी एक्स में ये पॉइंट पुट करके दैट गिवस मी थ्री बाई फोर पॉइंट पता है स्लोप पता है तो इक्वेशन ऑफ ट्रांजेंट क्या हो जाएगा the equation of tangent will be y minus y1 equals to m into x minus x1 that is 4y plus 16 is 3x minus y to 3x minus 4y equal to 25 this is the equation of tangent at the point 3 comma minus 4 tangent at ये add जो जो है, that is actually very important. अभी तक जो हमने किया था, वो किया था? वो क्या बोलने का मतलब दिस पॉइंट इज ऑफ द कर्व का पॉइंट है सर्कल का पॉइंट है और कोई पॉइंट सर्कल का ही है तो उस पॉइंट पे ओनली वन कैन बी ड्रॉन सो यू आर गेटिंग अंजेंट फ्रॉम में वी गेट इन फाइनाइट सॉरी गेट टू टैंज ऑन दर्व है टू वी गेट यूनिकोसेस वी हैव अस्टर वे ऑफ डूइंग दिस देखो ये एक्स है ये वाई है थ्री एज एक्स वन माइनस फोर इज वाई वन एंड ट्वेंटी वी देर इज एक्स स्क्वायर की जगह एक्स इंटू एक्स वन वाई स्क्वायर की जगह रखा है पॉइंट अगर ट्रांजेंट फाइंड करना हो तो इस तरह का एक सिंपल सा रिलेशन होता है दैट वैट इज आई एम गोइंग टू टेलिंग सो इफ देर इज अ कौन एक एस इक्वल टू जीरो विच इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो अगर ऐसा कोई कव है तो इसमें एक एक्सप्रेशन होता है टी देर इज एन एक्सप्रेशन टी विच इज एक्चुअली वॉट एक्स स्क्वायर इज रिप्लेस अच्छा ये equal to zero का कोई concept नहीं है बस कोई भी एक expression है सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला तो एक ही बार में सब खत्म हो जाएगा एक्स वाई की जगह एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाय टू वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन बाय टू y की जगह y प्लस वाई वन बाय टू इतने सारे चेंजेस करने के बाद s बिकम्स लेट मी राइट अगेन x स्क्वायर y स्क्वायर x y एंड लास्ट में एक्स वाई एक्स स्क्वायर इज रिप्लेस बाय एक्स एक्स वन रिप्लेस बाय वाई वाई वन एक्स रिप्लेस बाय एक्स प्लस एक्स वन बाई टू वाई रिप्लेस बाय वाई प्लस वाई वन बाई टू एंड एक्स वाई रिप्लेस बाय एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाय टू जब किसी सेकेंड डिग्री पॉलिनोमल में आप ये चेंजेस करोगे तो जो आउटपुट आएगा दैट विल बी टी आई कैन कॉल इट टी मशीन टी मशीन से जब एस पास होगा तो आपको ऐसा इनपुट होगा और ऐसा आउटपुट आएगा एंड दिसन दिसन वही क्या है यहां एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन रखा है और वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन रखा है एंड देन आई कैन से दिस टी इक्वल टू जीरो इज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू एस इक्वल टू जीरो एट पी दैट इज एक्स वन वाइव ये जो टी इक्वल टू जीरो आया जो टी आया उसको जीरो से इक्वेट करोगे टू दैट इज बेसिकली टू टैंजेंट एट द पॉइंट एक्स वन वाइव दिस विल बी टैंजेंट एट द पॉइंट एक्स वन वाइव सो टैंजेंट फ्रॉम पॉइंट फाइंड करना है तो स्लोप वाला कॉन्सेप्ट पी इक्वल टू आर वाला कॉन्सेप्ट अगर टैंजेंट एट दाइंड करना है तो सीधा सीधा पी इक्वल टू जीरो विल भी इवन स्मार्टर इवन शॉर्टर इवन क्विकर दैन दो फास्ट होता है तो अगर किसी पॉइंट पर टैंजेंट निकालना है तो सीधा सीधा पी इक्वल टू जीरो लगाओगे एनविकेट आंसर अभी कहां से आया क्यों आया कैसे आया फॉर दैट यू हैव टू वॉच अदर वीडियो विच आई एम गोइंग टू मेक आफ्टर वर्ड यू फाइंड इट आफ्टर वर्ड इन केस ऑफ पोलर पोलर के नाम पे ये वापस से वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताया जाएगा कि टी इक्वल टू जीरो बना अभी यू हैव टू बिलीव यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग दैट दैट टैजेंट का इक्वेशन टी इक्वल टू जीरो होगा इफ इट इज एड मतलब दिस पॉइंट शुड बी ऑफ द कर्व पॉइंट कर्व का ही पॉइंट होना चाहिए और उसी पॉइंट पे ट्रांजिंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड सो टीवल टू जीरो का यूज कब करेंगे जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ट्रांजिट दिस पी विल बिकम वॉट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जिस पॉइंट पे ट्रांजिंट बना रहे दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो अगर ये पॉइंट यहां है सो दिस पॉइंट इज पी एक्स वन वाई वन एंड दिस पी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सो दिस इज पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट इज पी इक्वल टू जीरो और ये पॉइंट भी कौन सा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सो आई कॉल इट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर्म इन जनरल इट इज कॉल्ड पॉइंट फॉर्म टू पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट इज

सर्कल के ये पॉइंट पे टेंजेंट फाइंड करना है दैट विल बी टी इक्वल टू जीरो फॉर्मल वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इट इज नॉट कि मैंने कोई शॉर्टकट बनाया दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन मी से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर वाई माइनस सिक्स वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो प्लस सिक्स वाई फाइंड ट्रांजेंड एट वन कॉमा माइनस वन एट बोला है तो ये पॉइंट कर्व का पॉइंट होना चाहिए लेट्स फाइंड आउट वन plus 1 2 plus 2 4 minus 6 minus 2 plus 2 0 yes this point is lying on this curve so tangent at 1 comma minus 1 can be given by t equal to 0 pause the video and try to find yourself i'm going to do it x square is x 1 y square is y 1 x is x plus x 1 by 2 y is y plus y 1 by 2 ना एल्सियम ले लेते हैं और इसकी जरूरत नहीं है टू टू कैंसिल हो गया सो व्हाट आई गेट एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वन प्लस थ्री वाई माइनस थ्री प्लस टू दैट गिव्स मी टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो आ ओके सो लाइन कम्स आट टू बी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो माइनस वन Now, this method is not for circle, it is for any conic, any curve will do. For example, if I take 2x square plus 3y square minus 4xy plus 5x minus 2y minus 4 equal to 0, find tangent at 1 comma minus 1. ये हर बार मैं वन कॉमा माइनस वन क्यों ले रहा हूं बिकॉज आई कैन एक्चुअली राइट एनी थिंग टू पास थ्रू वन कॉमा माइनस वन टू कॉमा माइनस थ्री करने के लिए आई नीड टू कैलकुलेट सो दिस इज फास्टर वे ऑफ राइटिंग द क्वेश्चन है नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस एंड वोट वी आर गोइंग टू डू इज ये दिस इज नॉट द सर्कल बट दिस मेथड वर्क फॉर ऑल द सोर्कल सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला सबके लिए काम करते हैं एक्स स्क्वायर विल बी एक्स एक्स वन वाई स्क्वायर इज वाई वन एक्स वाई वन इंट वाई टू प्लस फाइव एक्स विल बी रिप्लेस बाय एक्स प्लस एक्स वन बाई टू वाई रिप्लेस बाय वाई प्लस वाई वन बाय टू ना विज टू मल्टीप्लाई एवरीथिंग बाई टू टू से मल्टीप्लाई किया टू फोर एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस फोर एक्स प्लस फोर वाई प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव प्लस टू वाई माइनस टू माइनस एट ये मैंने देखा है बहुत लोगों को भूल जाते टू टू यहां तक मल्टीप्लाई करते आएंगे फिर यहां भूल भूल जाते सो नाउ व्हाट वी गेट इज ये तो कैंसिल हो गया फोर प्लस टू सिक्स और सिक्स ये भी कैंसिल हो गया बचा फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स इक्वल्स टू वन वट इज दिस इट्स सिंपल सा आंसर एक बार तो मुझे लगा कि एक्स और वाई सारे कैंसिल होने वाले हैं बट फाइव एक्स आ गया तो वट वी कैन डू इज वी कैन ड्रॉ एंड वी कैन फाइंड की वॉट इट इज हैपनिंग. बट दिस इज अ रैंडम किस इज बेसिकली एच स्क्वायर माइनस ए बी दिसपर बोला पढ़ेंगे उसके बाद वी मे बी एबल टू ड्रॉ दिस दे आर सो मेनी थिंग्स टू कैलकुलेट बट द आइडिया इज कि दिस मेथड वर्क फॉर एवरी सिंगल क दिस मेथेड वर्क फॉर एवरी सिंगल क ना

तो हमें फाइंड करना पड़ेगा आर का वैल्यू एंड हाउ कैन वी फाइंड दैट वी आर गिवन दैट टेंजेंट एट माइनस थ्री कॉमा माइनस वन मतलब वन तो माइनस थ्री कॉमा माइनस वन अगर मैं पुट करता हूं तो आई विल गेट फोर स्क्वायर मतलब सिक्सटीन माइनस वन मतलब वन दैट गिव्स मी 17 सो दैट इज द so what we usually do is x square plus 1 minus 2x plus y square plus 4 plus 4y minus 17 that gives me x square plus y square minus 2x plus 4y minus 12 equal to 0 ab t equal to 0 t equal to 0 will give you x square is एक्स एक्स वन वाई स्क्वायर इज वाई वाई वन एक्स एस एक्स प्लस एक्स वन Y टू वाई एस वाई प्लस वाई वन वाई टू माइनस ट्वेल्व पूरे में वापस से टू मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां कैंसिल हो जाएगा तो माइनस थ्री एक्स माइनस वाई दिस 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 एंड दिस 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 वट आई एम गेटिंग इज माइनस फोर एक्स उधर ले गया तो प्लस फोर एक्स माइनस फोर वाई माइनस प्लस वाई उधर गया तो माइनस वाई थ्री एंड माइनस फोर्टीन थ्री एंड माइनस फोरटीन इज माइनस इलेवन उधर गया तो प्लस इलेवन दैट इज द आंसर लेकिन आई हैव अनदर मेथड ऑल्सो हमें एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन लिखना है वाई स्क्वायर को वाई वाई वन लिखना है एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाई टू वाई को वाई प्लस वाई वन बाई टू एक्स वाई को एक्स वाई वन प्लस अगर एक्स माइनस वन स्क्वायर है तो तो पूरा एक्सपैंड करके लिखना पड़ेगा लेकिन एक्चुअली नॉट सपोज वी हैव स्क्वायर, वी बाय तो इफ वी हैव एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर आई कैन रिप्लेस इट बाय गैस एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स वन माइनस अल्फा एक एज इट इज और एक में वैल्यू पुट करना एक पोर्शन एज इट इज एक में वैल्यू पुट कर दिया इट विल बी वे फास्टर लेट मी शो यू सो दिस विल बी एक्स माइनस वन इंटू एक्स वन माइनस वन प्लस वाय प्लस टू इंटू वाई वन प्लस टू इक्वल टू सेवेंटीन डन to to yeah, ये दिस इज माइनस फोर एक्स प्लस फोर दिस इज वाई प्लस टू इक्वल टू सेवेंटीन टू फोर एक्स माइनस वाई इक्वल टू या प्लस ये सिक्स है उधर गया तो इलेवन आया प्लस इलेवन इक्वल टू जीरो एंड वी आर गेटिंग द सेम आंसर वट इज न्यू इन दिसन है वो तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई लाइट दिस इज समिंग न्यू एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर है तो है ऐसा और वाई माइनस बीटा स्क्वायर विल बी रिप्लेस बाय वाई माइनस बीटा वाई वन माइनस बीटा एंड दैट विल सेव यू समाइम एंड टाइम इज वेरी क्रूशियल इन केस ऑफ जे डबल ई तो जे डबल ई में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो दिस विल बी एबल टू सेव यू समाइम फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सोव सो दिस इज कॉल्ड पॉइंट फॉर्म ऑफ ट्रांजेंट कभी भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन हो टू वी आर गोइंग टू यूज दिस टू फाइंड ट्रांजेंट वन लाइन में आंसर आ जाएगा आपको स्लोप फॉर्म वगैरह पी इक्वल टू आर वो सब नहीं यूज करना पड़ेगा दैट इज द होल आईडिया

पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन हो इन बोथ द केसेस वी यूज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर्म और पॉइंट फॉर्म ऑफ टैंजेंट दी इक्वल टू जीरो इन दिस क्वेश्चन की लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज अल्फा बीटा सो टैंजेंट विल बी गिवन बाई टी इक्वल टू जीरो और टी इक्वल टू जीरो क्या होगा एक्स स्क्वायर इज एक्स एक्स वन वाई स्क्वायर इज वाई वाई वन इक्वल टू ट्वेंटी फाइव विच वी आर गिवेन द्री एक्स माइनस फोर वाईल टू ट्वेंटी फाइव ये हमने कैलकुलेट किया और दूसरा हमें गिवेन है बट कैलकुलेटेड हो या गिवेन हो इट हैज टू बी इक्वल इट हैज भी सेम इट हैज बी कोट इक्वेट दैम का कंडीशन याद है ना एक्स ए वन बायल्स टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू ट्वेंटी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज थ्री कमा माइनस फोर इन दिस वॉट वी सी ये हमने क्वेश्चन दिया था ये सर्कल का ये पॉइंट पे टैंजेंट और ये आंसर था नाउ I will say कि हमें सर्कल दिया है लाइन दिया है पॉइंट फाइंड करना है हाउ आर वी गोइंग टूज लेट से अल्फा बीटा इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट माइनस थ्री को हम माइनस वन आंसर आना है दैट इज योर क्वेश्चन सो इफ आई से अल्फा बीटा इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू टी इक्वल टू जेरो विल गिव यू एक्स माइनस वन इंटू अल्फा माइनस वन y plus 2 into beta plus 2 equals to 70. Now what we have is alpha minus 1x beta plus 2y minus alpha plus 1 plus 2 beta plus 4 minus 70. Which we already have that 4x minus y plus 11 इक्वल टू जीरो हमने कैलकुलेट किया और ये हमें ऑलरेडी गिवन है इक्वेट so करेंगे सो व्हाट डू आई गेट आई गेट अल्फा माइनस वन बाई फोर बीटा प्लस टू अपॉन माइनस वन इज माइनस अल्फा प्लस टू बीटा माइनस ट्वेल्व अपॉन इलेवन ना दिस मेथड इज गिविंग यू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ट्रांजेट बट इट इज नॉट लिमिटेड टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो हम टेन सेकेंड में फाइंड कर सकते हैं विदाउट यूजिंग दिस आई विल टेल यू दो मेथड्स बट दिस इज अंदी मेथड आई एम गोइंग टू टेल यू दिस बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल इन अदर थिंग्स तो वो बाद में पता चलेगा आपको फर्स्ट टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस Now if you have seen my previous videos at some point, I have said that numbers, three functions, three expressions are equal to each other, we always take it as equal to some fourth quantity lambda. So first or last say I will get lambda alpha minus one is four lambda. This and this gives me beta plus two is minus lambda and this and this will give me इलेवन लैमडा अब ये अल्फा बीटा का वैल्यू यहां पुट करते हैं तो माइनस अल्फा इज माइनस फोर लैमडा माइनस वन टू बीटा विल बी व्हाट वीटा बीटा बीटा इज माइनस लैमडा माइनस टू माइनस ट्वेल्व इज इलेवन लैमडा दैट गिव्स मी माइनस फोर माइनस टू माइनस सिक्स इधर गया तो प्लस सिक्स बन के सेवनटीन लैमडा हो गया कांस्टेंट की बात करें माइनस वन माइनस फोर माइनस वन माइनस फोर इज माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस ट्वेल्व इज माइनस सेवेंटीन लैमडा कम्स आउट टू बी वन और लैमडा अगर वन आ गया सो दैट गिव्स मी अल्फा इज फोर प्लस वन लैमडा इज एक्चुअली माइनस वन लैमडा माइनस वन आया तो दिस इज माइनस फोर प्लस वन इज माइनस थ्री माइनस वन आया तो ये वन माइनस टू इज माइनस वन एंड दिस इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आई एक्चुअली दिस वॉज योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्वेश्चन में यूज किया था वॉट अ मेथड ऑफ फाइंडिंग दैट पॉइंट टी वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस केस इट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टैंज विच इज नॉट दिस डिफिकल्ट दिस इज एक्चुअली वेरी सिंपल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट of tangent can be found in so many ways and the first way is think of it a circle here line here this point we need to find and this point is actually फोटो फॉर पेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर दिस इज सिंपली फोटो पॉल पेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर सेंटर से जो फोटो ऑरपेंडिकुलर होगा टैंजेंट पे वो सीधा ट्रांजेंट ही होगा यू जस्ट हैव टू मेक श्योर की वो टांजेंट ही है ऑब्वियसली ट्जेंट ही दिया होगा ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पूछा है तो टांजेंट ही होगा सेकेंड मेथर्ड आई कैन से दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड लाइन सर्कल और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही तो आएगा और थर्ड ये टी इक्वल टू जीरो वाला मेथड जो कि एक्चुअली बहुत लेंथी है बट मैंने बताया है बिकॉज इन फ्यूचर इट इज गोइंग टू बी वे

तो फुट और निकला होता है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू माइनस वन एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट एक्चुअली रूट नहीं होता है सीधा सीधा यही होता है दिस गिव्स गिवी सेवनटीन बाई सेवेंटीन ये कैंसिल मतलब माइनस वन सो वट इज एक्स x का वैल्यू आया माइनस फोर प्लस वन दैट इज माइनस थ्री वाई का वैल्यू आया वन माइनस टू दैट इज माइनस वन इन दिस केस इफ यू सी तो सेंटर नहीं फुट ऑफ a एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिवस मी वन सो एक्स क्या मिला थ्री और वाई क्या मिला माइनस फोर थ्री कॉमा माइनस फोर तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ट्रांजिन फाइन करना इज नॉट ए बिग डील डेट इज वेरी सिंपल आइडिया सीधा सीधा फुटा परपेंडिकुलर लेकिन जो मेथड मैंने बताया है दैट मेथड इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पॉइंट एक्स वन वाई वन इधर दैट इज गिवन और रिक्वायर्ड वी कैन यूज टी इक्वल टू जीरो सो दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर्म ऑफ टैनज थैंक यू